जब जब केजीएफ का नाम लिया जाएगा तब तब रॉकिंग स्टार यश को भी याद किया जाएगा। ये फिल्म उनके बिना अधूरी है और वो इस फिल्म के बिना, केजीएफ हो या पार्ट टू, दोनों ही फिल्मों को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यश केजीएफ के बाद जिस फिल्म से वापसी करने वाले हैं वो है टॉक्सिक। फिल्म पर काम भी शुरू हो चुका है और गीतू मोहनदास इसे डायरेक्ट कर रही हैं। वहीं यश के ऑपोजिट नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके खाते में जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म को यश को प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही पिक्चर में रावण का किरदार निभाने वाले हैं। यश की कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, पर फैंस को जिसका इंतजार है वो है KGF 3। प्रशांत नील हिंट भी दे चुके हैं कि फिल्म बनेगी और इस वक्त प्रशांत नील के खाते में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद वो पिक्चर पर काम करेंगे, पर हाल ही में जो खबर आई है वो फैंस के लिए बड़ा झटका है। प्रशांत नील के पास इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रभास के साथ सालार 2 और जूनियर NTR के साथ ड्रैगन है, पर वो ड्रैगन पर सबसे पहले काम करने वाले हैं। हालांकि बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी और उससे पता लगा कि जूनियर NTR की फिल्म के चक्कर में प्रभास की सालार 2 अटक सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस एक्शन फिल्म में बॉबी देओल भी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट छपी है, इससे पता चला है कि प्रशांत नील साल 2026 में KGF के अगले पार्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि फिल्म को लेकर जो जानकारी मिली है वो फैंस के होश उड़ा देंगी। कहा जा रहा है कि यश जो KGF के पहले दो पार्ट्स में थे वो इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह फिल्म में तमिल सुपरस्टार अजीत को लेने की खबरें हैं। रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है कि KGF के लिए अजीत को साइन कर लिया गया है, वो इस फिल्म को लीड करेंगे। हालांकि फिल्म की टीम की ओर से कोई ऑफिशियल ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट ने फैंस के बीच ही नहीं इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी है। फिलहाल प्रशांत नील का पूरा ध्यान NTR की फिल्म पर है और फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क जारी है। रिपोर्ट्स में बेशक यश को तीसरे पार्ट से हटाने की बात कही जा रही है, पर एक सवाल जो लगातार हर किसी के जहन में चलता रहेगा वो यही है कि बिना रॉकी भाई के KGF 3 कितना चलेगी। ऐसा करना मेकर्स को भारी भी पड़ सकता है। मेकर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक बैठा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 Digital पर।